गुरुजी, मैं जानना चाहती थी कि सिंसियरिटी और पंचुअलिटी हमारी जीवन में क्यों जरूरी है। सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? सामान्य जीवन की दौड़ भाग में जब आप संलिप्त हैं, जीवन में जो ज़रूरतें हैं उनकी प्राप्ति के लिए जब आप सक्रिय हैं, तो ये ऐसे गुण हैं जो आपको आपकी विद्वता को, आपकी योग्यता को, आपकी काबिलियत को, आपकी पात्रता को ऊंचा उठाते हैं। जो व्यक्ति सिंसियर है, जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जागरूक है, वो व्यक्ति बहुत सारे अवगुण होते हुए भी प्रिय हो जाता है। क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं, इतने गहरे जुड़े हैं कि आप उस लक्ष्य के बारे में ही सोचते हैं, यही आपकी सिंसियरिटी है। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप मन बुद्धि विवेक से, बॉडी माइंड सोल को एक बिंदु पर केंद्रित करके आप उसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे प्रभाव उत्पन्न होता है, उससे परिणाम तक पहुँचने में मदद प्राप्त होती है। जिस परिणाम तक पहुंचने में जो बिंदु, जो तत्व आपके लिए मददगार होता है, वो आपके गुणधर्मिता को बढ़ाता है, आपकी योग्यता को बढ़ाता है। आपका जो अपना आपने अर्जन किया है, जो आपने अर्जित किया है, योग्यताएं सब अर्जित की जाती हैं। शरीर प्रकृति प्रदत्त है, जीवन प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन योग्यताएँ हम अर्जित करते हैं शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, लोगों के साथ संगत के माध्यम से। तो हम सिंसियर और पंक्चुअल अगर हैं, तो कम गुण के होते हुए भी आप अपने कार्यस्थल पर सबके प्रिय हो सकते हैं। आप समय का अगर ख्याल रखते हैं, तो आप में वैसे ही बहुत सारे गुण स्वतः ही बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों में लेट लतीफ़ी की आदत होती है, हर चीज़ में लेट ही रहते हैं, हर चीज़ में लेट ही होते हैं, तो वो फिर लेट ही हो जाते हैं। फिर उनके सामने कौन कि जिस लेट कौन है, जो आपके बीच नहीं है। अब देखते हैं ना, जो लोग हमारे साथ संसार में नहीं रहते, उनके नाम के आगे लिखते हैं ना लेट, तो अब नहीं रहे, तो वो कार्यस्थल पे भी फिर नहीं रहते। पूर्व की बात हो जाते हैं, भूत की बात हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है उनके साथ, वो फिर पास्ट में चले जाते हैं। तो आपको अगर अपने कार्यस्थल पर अपने मालिक का प्रिय बनना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि आपको सब अच्छे से पसंद करें, आप ठीक से काम कर पाएँ, तो आपको सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। आप देखिए, सिंसियर तो आप होते हैं कई बारी वहाँ भी जहाँ आप नहीं हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव अगर लेट लतीफ़ी का है, लेकिन वो ट्रेन को पकड़ने के समय लेट लतीफ़ी नहीं बरतेगा तो नुकसान होगा। जब फ्लाइट का टाइम होगा, तो उससे पहले ही आपको पहुँचना होगा। यानी कि जो चीज़ जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके लिए तो आप सिंसियर हैं, और जिसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए आप सिंसियर नहीं हैं, उसके प्रति आप आबद्ध नहीं हैं, संबद्ध नहीं हैं, संकल्पित नहीं हैं। तो फिर आप जो चीज़ आपके जीवन में मूल्य कम रखती हैं, उनकी आप लापरवाही करते हैं। फिर तो संस्था ये मानती है, व्यक्ति ये मानता है, जिससे आप जुड़े हैं वो ये समझता है कि आपके जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है, तो उसके लिए फिर आपका मूल्य भी नहीं रह जाता। ये वाइस वर्सा है, ये रेसिप्रोकल है, ये परस्पर है। तो जब आप ही उसको ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप उसके लिए मूल्यवान नहीं हैं, तो वो भी फिर आपको वहाँ से चलता कर देता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु।